वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परेश जैन। आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों वैसे बता दूं कि आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर यानी कि 2 साल के बाद इंडिया बाइक वीक का फिर से एक बार इवेंट है। और हर बार जो ये इवेंट होता है गोवा में होता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र यानी कि लोनावला के पास एम्बे वैली में इंडिया बाइक वीक का इवेंट है। इंडिया बाइक वीक के बारे में बता दूं कि पूरे इंडिया से जो है इस वक्त आज के दिन सारे बाइकर्स और सारे यूट्यूब ब्लॉगर्स मोटो ब्लॉगर्स और सारे जो बाइक की कंपनियां उनके वहां पे शो होने वाला है और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही यूनिक ये शो होने वाला है। तो इस पूरे शो को मैं कैप्चर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। और इस शो में इस बार जो है मेरे साथ कोकण राइड के दरमियान जो 3-4 मेरे खास दोस्त थे, हमारी आज रीयूनियन हुई है। उन दोस्तों के साथ जो है मैं करीब 5-6 महीनों के बाद में फिर से एक बार आज मिला हूं और उनके साथ इस इंडिया बाइक वीक का एंजॉय करने वाला हूं दोस्तों। तो इस वक्त मेरे साथ में है आशीष, जो कि बहुत ही हैंडसम दिख रहा है इस वक्त मेरे पीछे, जो कि KTM का बहुत ही पुराना एम्प्लॉय रह चुका है, मैनेजर रह चुका है, पूरे KTM हेड रह चुका है। तो से हाई टू एवरीवन। हाई टू एवरीवन। ओके गाइज, आपको आना चाहिए था। ओके और ये इवेंट मिस नहीं होना चाहिए था। अगर आप हो गए तो प्लीज मिलिए वहां पे। ओके बाय। ये बहुत ही बड़ा मार्केटिंग पर्सन है और जहां तक मैं आपको इसके बारे में बाद में इंट्रोडक्शन दूंगा कि कितना खतरनाक आइटम है। और इसके बाद जो मेरे साथ में तेजस है इस वक्त, जो कि पूना से आज स्पेशली मुंबई की ओर यानी कि लोनावला की तरफ आया हुआ है इस इवेंट को अटेंड करने के लिए इतना लंबी ट्रैवल के बाद में। और गिर राइड पे भी हम लोग साथ में जाने वाले थे, पर किसी संजोग से हम साथ में नहीं जा पाए। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस इन गिर? दिस इज वेरी गुड एक्सपीरियंस इन गिर एंड यू शुड ऑलवेज अटेंड द KTM राइड्स व्हिच आर वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त दूसरा एक और मेरा बंदा जो खास दोस्त है और इससे इसके बारे में बता दूं कि हम दोनों सजिटेरियस है, तो बहुत ही ज्यादा प्यार है हम दोनों के बीच में, तो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और कोकण राइड के बाद हम फिर से एक बार मिले हैं आज। तो किरण क्या करने वाला है, धमाल होने वाली आज? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। सॉरी थोड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ मैं क्योंकि मैं अंग्रेजी में ज्यादा बोलता हूँ। ओके सबसे पहले परेश जैन अमेजिंग गाय, इसकी सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा, ये इवेंट मिस नहीं करना चाहिए, जिंदगी में एक बार एटलीस्ट आपको अटेंड करना चाहिए। एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट टाइम्स। थैंक यू मच किरण। दोस्तों तो सीधा ले चलता हूँ आपको इंडिया बाइक वीक की तरफ। तो इस वक्त तो हम लोग हैं लोनावला में एक बंगलों में स्टे कर रहे हैं पर्पल सीजन में, और चारों जन जो हम रात को यहीं पे स्टे करने वाला है और ये इवेंट कल भी होने वाला है। तो आज डे वन है, पूरा वीडियो जो है मैं कैप्चर करके आप तक पहुंचाऊंगा। डोंट मिस दिस वीडियो, डोंट मिस दिस इवेंट, ये आपके जिंदगी बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों इस वक्त हम बंगलों से निकल चुके हैं और सीधे जा रहे हैं बुआ चे मिसल, बिकॉज सुबह से हमने अभी तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ एक ब्लैक कॉफी एक्सप्रेसो हमने पी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है मिसल बहुत फेमस है यहाँ की, और उसके साथ में ठेचा दिया जाता है जो कि बहुत ही स्पाइसी रहता है। लेकिन जो भी स्पाइसी खाने के शौकीन हैं उनके लिए बता दूं कि बुआ चे मिसल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे वड़ा पाव, कांदा भजी और यह सब चीज़ें जो है बहुत ही सुपर मिलती है। तो जब कभी भी लोनावला आओ तो आप बुआ चे मिसल ज़रूर विज़िट करो। और मैं बता दूँ कि मेरे बंगलों से एक 5 मिनट की दूरी पर है, तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा एम्बी वैली के लिए। दोस्तों इस वक्त जो है ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे बाइकर जो है लोनावला की ओर आ चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक से आप देख सकते हो रास्ते में जगह जगह पे बाइकर जो है यहाँ वहाँ से निकलते हुए सीधे एमबी वैली की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक खास जानकारी आपको इस इवेंट के बारे में, इंडिया बाइक शो के बारे में आपको मैं दे दूँ कि जब कभी भी आपको इस इवेंट में आना हो तो इसकी जो टिकट्स है ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू हो जाती है एडवांस में। और इस बार जो इनकी ऑनलाइन बुकिंग थी, इन्होंने टाइप किया था बुक माई शो के साथ में, तो सारी टिकट जो है एक दिन पहले ख़त्म हो चुकी है, सोल्ड आउट हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी ऑनलाइन बुकिंग सारी बंद कर दी है और ऑफलाइन टिकट्स की बुकिंग भी सारी बंद कर दी है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि जब कभी भी आप इस शो में आना चाहो तो इसके टिकट्स एडवांस में बुक कर लो। काफ़ी सारे लोग मैं आज देख रहा हूँ कि यहाँ से फिर से रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी टिकट जो ऑनलाइन बुक नहीं की है, उनके चेहरे उतरे हुए हैं बहुत ही मायूस चेहरों के साथ में, वो फिर एक बार यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं।
दोस्तों आज जो है टिकट बुक करने के बावजूद भी यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाने के बाद भी हमें काफी समय लग गया क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट पकड़ता नहीं और यहाँ पे एम टिकट्स की बात कर रहे हैं। तो एम टिकट्स जब आप इंटरनेट ही काम नहीं करेगा तो आप कैसे निकाल के दोगे? इनके पास हमारी सारी डिटेल्स है, हम बुक माय शो का आईडी भी बता रहे हैं और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमें एम टिकट सही है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम बिगड़ चुका है। पर ठीक है, जैसे तैसे हम सबकी एम टिकट्स खुल चुकी है और हमें अंदर एंट्री मिल चुकी है, तो इस वक्त यहाँ का जो नज़ारा है पूरा ही बाइकर से भरा हुआ नज़ारा है। एक से खूबसूरत इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, चारों ओर बाइक से मैं आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा बताता हूँ। देखिए कैमरा रोटेट करके क्या है यहाँ पे। दोस्तों इस वक्त जिस सेक्शन में मैं आया हूँ यहाँ पे सारी जो है बाइक्स की एक्सेसरीज है, जैकेट्स, पैंट, शूज़ और दूसरी भी काफ़ी खूबसूरत एक्सेसरीज यहाँ पे है। तो मुझे तो बाइक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है लेकिन उसकी एक्सेसरीज में उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वही देखने के लिए मैं आज खास तौर पर यहाँ आया हूँ। और जब आप एक बाइक लेते हो तो बाइक के साथ साथ आप समझ लीजिए करीब आपका लाख, डेढ़ लाख या दो लाख रुपया करीब करीब एक्सेसरीज में चला जाता है। तो वैसा ही कुछ आज यहाँ पे है, आए हैं हम लोग यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बहुत भारी शॉपिंग होने वाली है। दिखाओ इस वक्त मेरे सामने जो एक है जीटी हाउस, जहाँ पे बाइक की सारी ब्यूटीफुल जैकेट्स है। देखिए इस वक्त दोस्तों इस वक्त मैं सबसे पसंदीदा फेवरेट ब्रांड्स के बाहर खड़ा हूँ, ब्रांड की शॉप के बाहर खड़ा हूँ जिसका नाम है राइनॉक्स। मेरे पास भी राइनॉक्स का ही जैकेट है, राइनॉक्स के ही ग्लव्स है और राइनॉक्स का ही मैंने एक बैग भी लिया है, टैंक बैग। तो इस वक्त ठीक मैं राइनॉक्स के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी सारी खूबसूरत एक्सेसरीज है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए राइनॉक्स का शोरूम,
दोस्तों, ये कार्बोनाइट करके एक ब्रांड है जो कि बैंगलोर का ब्रांड है और इसके सारे नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। इस वक्त जो मेरे सामने आप सारी जो ये बैग्स देख रहे हो, ये सारे के सारे बैग्स इन्होंने इस बाइक के ऊपर फिट किए हुए हैं और इनकी अगर आप सभी के सभी बैग्स लेते हो तो इन्होंने बहुत अच्छी ऑफर प्राइस दी है। 10,000 में ये सारे बैग्स आप ले सकते हो और आप अपने बाइक के ऊपर माउंट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी ऑफर है। अभी इन्हें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वी आर कार्बोनाडो अर्बन मोबिलिटी गियर। वी आर इन IBW एंड वी आर रनिंग कपल ऑफ डिस्काउंट्स हियर। कम चेक अस आउट। वी हैव अमेजिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, टैंक टेल, सैडल बैग्स एंड ऑल योर बैक पैक्स, हाइड्रेशन बैग्स एंड एवरीथिंग। वी हैव अ 10% डिस्काउंट टुडे, सो प्लीज कम आउट हियर एंड चेक अस आउट। इस वक्त हम सेना के काउंटर पे आए हुए था कि सेना के जो प्रोडक्ट्स है ज़्यादा करके ब्लूटूथ के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है हेलमेट्स के लिए और मुझे भी उसका एक डेमो लेना था, तो डेमो लेने के लिए हम सेना के काउंटर पे आए यहाँ पे। तो इस वक्त मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हेलमेट में उसे माउंट करके उसकी साउंड क्वालिटी क्या है, उसका फीचर्स क्या है, मैंने इनसे कहा है तो उन्होंने हेलमेट के अंदर फिट किया है और इस वक्त ये किरण जो है उसे पहन के देखने वाला है और ये हमें उन्होंने हेलमेट में भी माउंट किया इसे, तो हम इसका एक डेमो लेंगे और पसंद आया तो फिर डेफिनेटली हम इसे बाय कर सकते हैं। खुश हूं मैं क्योंकि मेरे साथ मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है जो कि बहुत ही अच्छा राइडर है, देवेंद पोखले, जिसके साथ मैं 2 महीने पहले मिला था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी पार्टी की थी और उसके बाद सीधे मुझे आज यहां पे मिला है इंडिया बाइक शो में। वो एक्चुअली कल आने वाला था, कल आ नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन आज वो यहाँ पे आए सिर्फ मेरे लिए, मुझसे मिलने के लिए। जुबान का बहुत पक्का है, उसने मुझे जुबान दिया था कि आज संडे को मैं तुझे मिलके रहूंगा, तो मुझे मिलने के लिए स्पेशली मुंबई से आज इंडिया बाइक शो के लिए आया हुआ है। दोस्तों, आप सबको मिलाता हूँ देवेंद पोखले से। देवेंद जी, हाय टू एवरीबॉडी। हाय, हाय, हाउ आर यू? ऑल वेल। देवेंद, क्या लग रहा है आपका बाइक शो, कैसा लग रहा है? बाइक शो तो बहुत बढ़िया है। जॉय, गुड वाइब्स, समथिंग नाइस, सबसे इम्पोर्टेंट आई मेट यू। अरे यस, वेरी मैन। IBW
दोस्तों इस वक्त मेरे को एक और दोस्त मिला है जो कि बाइक राइडर है, बहुत ही अच्छा बाइक राइडर है, बाइक का लवर है, जिसका नाम है सनी। दोस्तों मिलाता हूँ सनी। सनी से हाय टू एवरीवन। भाई इसके पास कावासाकी है जो कि मेरा ड्रीम बाइक है और ये एक साल से बहुत अगला राइड जो रहेगा सनी के साथ में रहेगा। सनी को फोन करूंगा और उसके साथ में हम लोग एंजॉय करेंगे और वीडियो को देखते रहना दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हाय, दिस इज ओमकार फ्रॉम राइडर गियर्स। वी हैव सम जैकेट्स। दिस इज आवर जैकेट रेंज, स्टार्ट फ्रॉम 5650, न्यू लॉन्च जैकेट, बोल्ड जैकेट इट इज। वी हैव टू कलर वेरिएंट्स। In this jacket, we are giving elbow shoulder level 2 protector and back is the foam protection. That jacket you can upgrade. This is a Discover boots. Okay. It's for 5850. It comes with the toe protection, heel protection and shin protection. The airbag blows comes with the Knox protection and the knuckle protection. Three color options are there, white, Hi-Vis and red. The MRP of that jacket is 3250. Then we have another gloves, the Adtri gloves. Two colors are there. This is for 2750. It comes with the membrane inside, the thermal and the waterproof membrane is there. We have the hydration backpacks. It's a 2-liter hydration backpack. It comes with the bag capacity is 5 liters. It's a multi-purpose pack. You can keep the things over here, mobile charger, GoPro here. Then, which is the important wallet and everything, you can put in these pockets as well. It's come with the 7 pockets. साथ में ओमकार है, राइडर प्रोडक्ट्स को ये डील करते हैं और सारे प्रोडक्ट खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में है। मार्केट में आपको बाइक से रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट राइडर प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है। मस्ट गो फॉर इट गाइस, मस्ट गो फॉर इट। आई जस्ट लव द प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच गाइस। दोस्तों इस वक्त मैं इंडिया बाइक वीक के सेकेंड डे पे हूँ मैं और इन्वेस्टर टूरिंग गियर्स के बाहर खड़ा हूँ और इस वक्त मेरे सामने जो है वो मेरे खास दोस्त है जो कि बहुत सारे बाइक के प्रोडक्ट्स यानी कि बाइक गियर्स में डील करते हैं और बाइक लगेज में डील करते हैं और मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उस प्रोडक्ट के बारे में कौन सा प्रोडक्ट है, क्या कंपनी है, क्या उनका मटेरियल है और कंपनी की पूरी डिटेल जो है इस वक्त मेरे सामने ठीक खड़ा है वो आपको बताएंगे इस कंपनी के बारे में। तो कैमरा रोटेट करता हूँ और इनसे बात करता हूँ। दोस्तों विल टॉक एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सो हाय गाइस, दिस इज सौरभ साठे फ्रॉम इन्विक्टस टूरिंग गियर्स। सो वी आर अ पुणे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वी हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हम जो बनाते हैं सब खुद बनाते हैं, पूरा इन हाउस है हमारा। सो दिस इज द राइड मार्शल सैडल बैग विच इज वन ऑफ आवर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। दिस इज द राइड मार्शल टेल बैग। दिस इज 74 लीटर, दिस इज 76 लीटर। इसमें आपको फर्स्ट एड किट, रेन लाइनर, वाटर प्रूफिंग पूरा आपको एक ही इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। फॉर एनी मोर डिटेल्स और द वीडियोज यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.invictustouringgears.com। तो वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, मटेरियल्स, यूजेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके हैं और इंडिया बाइक वीक का दूसरा दिन भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिला हूँ, बहुत टैलेंटेड लोगों से मिला हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ मिला हूँ और बहुत ही मज़ा आया उनको मिलके। दोस्तों डे वन से ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया डे टू में, और डे टू में तमाम ब्रांड्स के साथ मैंने बात की है, को शूट किया है, उनके प्रोडक्ट्स को मैंने बाय किया है और क्या प्रोडक्ट्स मैंने बाय किया है वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप भी उन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो ऑनलाइन। मैं उनको टैग करने वाला हूँ ताकि आप भी अपने बाइकिंग, अपने राइडिंग में उन गैजेट्स को ऐड कर सको और अपनी राइड को और ज़्यादा कम्फर्टेबल कर सको। दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको चांस मिले, हर साल में एक बार ये इवेंट होता है इंडिया बाइक राइड, इंडिया बाइक वीक, आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिए, ज़रूर से अटेंड कीजिए
इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एमी वैली में था, हर साल जो होता है ये गोवा में होता है, और अगले साल भी जो ये होने वाला है वो भी आज इन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो गोवा में होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि अगले साल के लिए इसके टिकट जब भी इसकी बुकिंग स्टार्ट हो ऑनलाइन में, बुक माई शो में या जहाँ कहीं भी इसकी टिकट हो ऑनलाइन बुक कर लें, ताकि आपको इस इवेंट को अटेंड करने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, परेश जैन के नाम से चैनल है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।